अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों आज मैं कराची बोर्ड के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ का 9th क्लास का गेस पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों इस गेस पेपर में से इंशाल्लाह ताला आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी सारे सवालात आने हैं और इसमें से लाजमी तौर पर आपके पास सवालात ज़रूर आएंगे। तो इस गेस पेपर को कम्प्लीट कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कराची बोर्ड का 9th क्लास का पाकिस्तान स्टडीज़ का गेस पेपर। सबसे पहले आपको लॉन्ग सवालात के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट सवालात के बारे में बताएंगे। पहला सवाल है, हाईलाइट द प्रोमिनेंट पॉइंट्स ऑफ करेक्टर ऑफ कायदे आज़म विच मेक रोल मॉडल फॉर अदर्स। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ करप्शन, वॉट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। मैंशन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। डिस्क्राइब रोल ऑफ सिंध एंड पंजाब इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अगला सवाल है, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, राइट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। वॉट इज़ मीन्ड बाय वेलफेयर स्टेट। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इस्लाम। डिस्कस इट्स ड्यूटीज़। Why did East Pakistan separate from West Pakistan? Explain the causes. उसके बाद describe importance of geographical location of Pakistan. Describe the services of anyone in the Muslim revivalist movement of subcontinent. मोमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह। उसके बाद सैयद अहमद शहीद ब्रेलवी। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। उसके बाद डिस्क्राइब द व्यू ऑफ कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट ऑफ सोर्सेस इन नेशनल डेवलपमेंट। Resources of national resources in national development. Describe the aims and achievements of the Aligarh movement. What are the advantages of forest? State their importance. ठीक है, what steps can be taken for increasing the industrial growth in Pakistan? Write a note of the following. Important agriculture problems of Pakistan and its solutions. National goals of Pakistan, culture of Pakistan, Pakistan resolution, important industries of Pakistan, effect of growing population on health, two nation theory, source of Islamic ideology, main minerals of Pakistan, 14 points of Qaid-e-Azam. उसके बाद बी सेक्शन दोस्तों, आपके पास जो शॉर्ट सवालात आते हैं वो ये हैं, राइट एनी फोर मेरिटोरियस सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, राइट एनी फोर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट, डिफाइन कल्चर एंड राइट डाउन एनी थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, राइट डाउन एनी फोर स्टेप्स हैव बीन टेकन बाई द गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन, राइट डाउन द फोर पॉइंट्स फ्राम द 14 पॉइंट ऑफ द कायदे आज़म, राइट नेम्स ऑफ एनी फोर मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सवालात हैं दोस्तों वो ये हैं आपके शॉर्ट के, वो हैं राइट नेम्स ऑफ फोर सूफी सेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वेयर डू दे बिलोंग टू। उसके बाद पॉइंट आउट एनी फोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट एनी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मेंशन एनी फोर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इन पाकिस्तान, राइट डाउन एनी फोर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी फोर प्रोविजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, राइट नेम्स ऑफ एनी फोर गवर्नर्स ऑफ सिंध, राइट डाउन एनी फोर इम्पोर्ट्स एंड फोर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, राइट डाउन एनी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट डाउन एनी राइट डाउन थ्री मुस्लिम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान, वॉट इज़ टू नेशन थ्योरी, राइट इन फोर सेंटेंसेस,
राइट फोर सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. राइट डाउन द नेम्स ऑफ फोर मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. राइट इन फोर सेंटेंसेस. राइट एनी फोर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. राइट एनी फोर कॉजेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान. राइट फोर नेम्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. राइट एनी फोर इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान. Define national development in a few sentences. Write down any four sentences on the role of Sindh in Pakistan movement. Write down any four objective of Farazi movement. Write down any four objective of education of the information technology. Write down any four statements of Qaid-e-Azam on the ideology of Pakistan. Write four steps to solve the agriculture problems of Pakistan. Why peace in the world is write in a few sentences. Write a few sentences on the cotton and sugar industries in Pakistan. Write a few sentences the nuclear energy in Pakistan. Uske baad define climate, environmental pollution, land pollution, import export. Uske baad objective resolution ke upar, उसके अलावा आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल करेक्टर. उसके बाद आपने लिखने हैं व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड जून प्लान. ठीक है, थर्ड जून प्लान क्या था. राइट नेम ऑफ फोर डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. राइट फोर सेंटेंसेस ऑन पाकिस्तान रेजोल्यूशन. राइट फोर क्वालिटीज़ ऑफ द करेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म. राइट डाउन फोर सेंटेंसेस ऑन द रोल ऑफ पाकिस्तान टू द ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान. उसके बाद राइट डाउन एनी फोर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान. तो दोस्तों ये पाकिस्तान स्टडीज़ का 9th क्लास का आपके लिए गेस्ट पेपर हमने आपके लिए बनाया है. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसकी आप कंप्लीट तैयारी कीजिएगा. और दूसरा दोस्तों, अगर आपको वीडियो के अंदर सही दिखाई नहीं दिए और प्रोनंसिएशन में अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आई, तो आपके लिए आपकी सहूलत के लिए हम ये पूरा गेस्ट पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे. वहाँ पर आप क्लिक करके ये पूरा गेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये पूरा गेस्ट पेपर डाउनलोड करके अपने पास रख लें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें. और पिछला जितना भी आपने पूरे साल के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ का पढ़ा है वो भी रिवाइज़ करें. और वो जब रिवाइज़ करेंगे तो उसमें से ही कुछ सवालात ये भी निकलेंगे, और जब बच जाएं तो इसमें से सवालात कर लें ताकि आप पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें. तो दोस्तों, मज़ीद गेस्ट पेपर्स 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपके लिए आने वाले हैं. उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन के ऊपर प्लेस करना होगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें. अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अल्लाह हाफिज़ दोस्तों. पाकिस्तान जिंदाबाद.